पीछे आ जाओ। बैंड बाजा शादी बारात में तो आपने खूब सुने होंगे, जमकर नाचते भी होंगे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, क्योंकि सिर्फ शादी बारात में या किसी खुशी के मौके पर ढोल बाजा बजाना आउट ऑफ फैशन हो चुका है, क्योंकि योगी सरकार है भैया। यहाँ आपको हर रोज नए नए ट्रेंड देखने को मिलेंगे। आप कानपुर को ही ले लीजिए, जहाँ खूब जोर शोर से बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन इस बाजे के साथ बाराती नहीं बल्कि प्रशासन पहुँचा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, प्रशासन, जो किसी फंक्शन को अटेंड करने नहीं पहुंचा। यहाँ बारातियों की जगह प्रशासन के अधिकारी हैं, और घोड़े पर बैठा कोई दूल्हा नहीं बल्कि बुलडोजर है, और उसमें बैठा अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने वाला कर्मचारी है। जी हाँ, यह अनोखा मामला है कानपुर का, जहाँ नगर निगम प्रशासन ने भू माफिया पप्पू स्मार्ट की मार्केट पर बैंड बाजे के साथ बुलडोजर चला दिया। दरअसल बात यह है कि चकेरी इलाके में पप्पू स्मार्ट की मार्केट बिना नक्शे के नगर निगम की ही जमीन पर बनी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अचानक से ही प्रशासन के अधिकारी मार्केट को गिराने पहुंच गए, बल्कि काफी बार नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस को लेकर कोई वाजिब जवाब नहीं मिला, तो बस पहुंच गया प्रशासन, वो भी भारी फोर्स और बाजे गाजे के साथ। और फिर क्या था, देखते ही देखते ढोल की धुन पर पप्पू स्मार्ट की मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। चलिए आपको भी वो ढोल नगाड़ों की धुन सुना ही देते हैं। तो देखा आपने कैसे पूरे ढोल ताशे के साथ पप्पू स्मार्ट की मार्केट को बड़ी ही स्मार्टली जमींदोज कर दिया गया। कानपुर में नगर निगम प्रशासन ने भू माफिया पप्पू स्मार्ट की मार्केट पर बैंड बाजे के साथ बुलडोजर चला दिया। चकेरी इलाके में पप्पू स्मार्ट की मार्केट बिना नक्शे के नगर निगम की जमीन पर बनी थी। नगर निगम द्वारा पप्पू स्मार्ट को कई बार नोटिस देकर आज प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ पप्पू स्मार्ट की मार्केट को ध्वस्त कर दिया। यानी योगी जी की यूपी में अब अगर आपको कहीं भी ऐसे बाजे गाजे नजर आए तो जरा ध्यान से देखिएगा, दूल्हा घोड़ी चढ़ते हुए दिखे ना दिखे बल्कि कहीं बुलडोजर ही दिख जाए। कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।